21 তারিখ 21 বছর খন 49 বছর ধাবি যাহা তিনা গগো হড় কো মিনা কো ওড়া রে বারিয়া পেয়া পুনিয়া সনাম কো পেনশনিং ইমা কো ওনা কানুন বিনাও কিনা পেপুন দিনতে হা আতু আতু পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত করে ক্যাম্প কো লাগা হা সুর ক্যাম্প রে সেন কতে আপে ওন্ডে ওনা ফোরম কো ভি ভরাওয়া আর কার্যকর্তা কো আপে থোড়া আতু কো সেন কতে হড় কো থোড়া গোড়োয়া কো পে আজ 50 বছর কোন পহিল গে সনাম কো পেনশন লিগি মা কো কানতা হ্যায় সাবিত্রী ভাই ফুলে খন কলেজ রেন 18-19-20 বছর ধাবি গিদার কো কুড়ি গিদরা কো প্রোৎসাহন রাশি ইমা কো কানতা হ্যায় अब 21 बचर खन 49 बचर दबी आ लगभग 40 लाख गोगोहड़ नवा दिसम रे नवा पेंशनिंग इमा को हां आपे पे नेलेदा समय चिकाते ना चाण चाण पारो मो कना सरकार बन बिना केदा कोरोना रे महामारी है ना महामारी चबाए ना राजनीतिक षड्यंत्र हो ना पहिल नुआ विधानसभा दड़ान आर नुआ सभा को रे सेटेरो रे आपी चेल का पे नेलिंग कानता है आर नित चेल का पे नेलिंग करना आर नुआ बदलाव आयमा कारण ते हुई कर नुको विपक्ष को सला लड़ाई लड़ाई ते जाले का राज बिगाड़ रिया लड़ाई आबोरे गुरुजी ते को लड़ाई का ना नुआ दिसोम रेन रेगे नचार होड़ को लगी राजनीतिक लड़ाई हो अडी कजाक तो हुई करा नुआ दिसोम रेन आ उना चक्कर है लगभग 1-1.5 बछोर खन उनको यहाँ तायनम रे को लगा लेना और आखिरी आखिरी रे मोड़े तुरुई मना है जहलो को दिल दिया आज जहल उडुक कते सनाम खन पहिल नुआ बरेट रिया नुआ बिजली ग्रिड उद्घाटन लगी नोटिंग से टेरे कर और आय मा कमी को ले आपे दुआ दुआर ले सटेरा पिया चाहे हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बोने माँ को चाहे गिदर पिदर को आबोर एन कुड़ी गिदरा को सावित्री बाई फुले योजना बोने माँ को चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री एमो रिया कथा राशन फ्री एमो रिया कथा आय मालिकाना योजना आपे तला रली एमा पिया आर तहन ओड़ा ओड़ा रे बिजली 24 घंटा तहन मा ओना लगी नुआ ग्रिड रिया हो उद्घाटन हुई ना आर नुंका के मानव आबोआ अतु दिसम मीटांग बरिया ओड़ा को हो बिना उदी कहंता बन गया आर नीत आबो दिसम रे रेगे नचार होड़ को लगी आबो आवास योजना ते नुआ दिसम रे जहां तिना रेंगे होड़ को मिना कुआ उनको हो सना मोड़ा एमोरिया मिटंग कानूनिंग बिनाओ केदा बार पे बछोर ते नुआ दिसम रे सनाम होड़ को ओड़ा बन बिनाओ दड़े कोमा आ नुंकान योजना के जो पहली पहल प्रधानमंत्री आवास पे जामे तहे ओना खोन जस्ती दाम रिया ओड़ा आबो आवास बिनाओ पे करना आर नेट दिनों के बाद गांव गांव पंचायत पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ होने जा रहा है और उस योजना के तहत मुख्य रूप से एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना होगा जिसके माध्यम से
इस राज में, जो इस राज के और देश के आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है। पहले तो 50 साल के उम्र तक के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो हम लोग पेंशन दे ही रहा था, अब उसके नीचे भी कई लोग गरीबी रेखा के नीचे गांव देहात में हम लोग का गरीब गुरुआ लोग बहुत है। इसलिए हम लोगों ने पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कि 21 साल के बाद, 21 साल से 49 साल तक जितने भी राज्य में महिला है सबको सम्मान राशि देंगे। 21 तारीख 21 बछर खन 49 बछर धाबी जहां तिना गोगो हड़ को मिना को ओड़ा रे बारिया पेया पुनिया सनाम को पेंशनिंग इमा को उनन कानून बिनाओ किदा पेपुन दिन ते हा अतु अतु पंचायत पंचायत को रे कैंप को लगा हा सूर कैंप रे सेन कते आपे ओंडे ओना फोरम को भी भरावा और कार्यकर्ता को आपे थोड़ा आतु को सेन कते होड़ को थोड़ा गोड़वा को पे आज 50 बच्चों कौन पहल के सनाम को पेंशन लेगी माँ को कहता है सावित्री भाई फूले कौन कॉलेज रेन 18-19-20 बच्चों दबी गिदर को कुड़ी गिदरा को प्रोत्साहन राशि ये माँ को कहता है। अब 21 बच्चों कौन 49 बच्चों दबी आ लगभग 40 लाख गोगोहड़ नवा दिसंबर नवा पेंशनिंग इमा को हाँ 40 लाख महिलाएं इस महिला सम्मान राशि से सम्मानित होंगी और ये बहुत तेजी से होगा और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी, उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया, कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए हमारे विपक्षों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया, तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 5 साल मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है, काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है। हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। आज इस ग्रिड का उद्घाटन है, इस उद्घाटन
के पश्चात ये उद्घाटन मात्र नहीं हो, मैं विभाग के पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, उद्घाटन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ हो गया, ये सुचारू रूप से भी चलना चाहिए और उसमें ब्रेकडाउन भी कम से कम होना चाहिए, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए।